हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? अगर आप लौट कर आए हैं, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो है कि डीएम को वापस आने से कौन रोक रहा है। यस, डीएम को वापस आने से कौन रोक रहा है। एंड सभी डीएफ को ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि उनका खुद का बिहेवियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि हमारे साथ जो भी होता है उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहाँ पर भी सभी डीएफ रिस्पॉन्सिबल हैं कि डीएम उनके पास नहीं आ रहे हैं, एंड वो कैसे हैं, एंड कैसे हम अपनी इस बात को क्लियर कर सकते हैं, इस कर्मा को क्लियर कर सकते हैं कि डीएम हमारे पास आए, उसके लिए बने रहिए इस वीडियो पर एंड इस वीडियो को देखिए। एक्चुअली में क्या है कि जो डीएफ्स हैं, बहुत सारी जो डीएफ्स हैं, उनके माइंड में क्या सेट हो गया है कि डीएम अच्छे नहीं हैं, डीएम रनिंग करते हैं, डीएम हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, डीएम बहुत रूड हैं, डीएम इगोइस्टिक हैं एंड फलाना फलाना, मतलब बहुत कुछ जो है, जो भी उनका बिहेवियर है वो हमारे माइंड में सेट हो गया है। एंड हम लोग पूरा दिन क्या करते हैं कि उन्हीं चार पांच लाइंस को रिपीट करते रहते हैं। एंड इनर वर्क में क्या होता है कि इनर वर्क में सबसे पहले यही बताया जाता है कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा है। अगर डीएम भाग रहा है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डीएम हमारी क्यों नहीं ले रहा है, वो इस वजह से नहीं ले पा रहा है क्योंकि हमने ये तो समझना शुरू कर दिया कि हमारी खुद की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम खुद की इम्पोर्टेंस को समझते समझते कहीं ना कहीं हम ईगोइस्टिक हो रहे हैं, ईगो में आ रहे हैं, ईगो हमारे में हावी हो रही है। एंड हमने पांच छह लाइनें जो हैं डीएम के जो कैरेक्टरिस्टिक की हैं उनको रट लिया है, एंड हमें ऐसा लगता है कि डीएम रियल में वैसा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। डीएम की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, डीएम की अपनी समस्याएं हैं, एंड जब उसको पता ही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जब उसको एहसास ही नहीं है कि वो हमसे कितना प्यार करता है एंड हम उनसे कितना प्यार करते हैं, तब तक वो कैसे हमारे पास आएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है, राइट टाइम नहीं आया है यूनाइट होने का। तो डीएम कैसे वापस आएंगे? कहीं ना कहीं इनर वर्क की अभी भी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि अभी भी जो हो रहा है उसके पीछे सिर्फ हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ डीएफ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डीएम उनकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। डीएफ ने इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, इनर वर्क में प्रोग्रेस भी हासिल की है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। लेकिन अभी भी जिनको ऐसा लगता है कि डीएम रूड है, डीएम किसी चीज़ को नहीं समझता है एंड ऑल, एंड वो बार बार रिपीट करते रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं मन में ये चीज रख कर बैठे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इनडायरेक्ट वे में डीएम को वो वाइब्रेशंस दे रहे हैं। और जब हम किसी को नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास नेगेटिव वाइब्रेशंस ही आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डीएम आपके पास आए तो आपको ये सारी चीज़ों को भूलना होगा एंड आपको अपने माइंड, मतलब डीएम की क्या सिचुएशन है, क्या करंट चीज़ें वो फेस कर रहा है, उस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता और जस्ट हम अपने अनुमान लगाते जा रहे हैं एंड उसको हमने टैग लगा के रख दिए 3-4-5 एंड उन्हीं टैक्स के अकॉर्डिंग उसको देख रहे हैं, जिससे जो हमारा यूनियन है वो जो है और भी ज़्यादा डिले हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप में से जितने भी डीएफ ऐसे हैं जिनको लाइक डीएम के ये फीचर्स रटे पड़े हैं और कहीं ना कहीं जब वो दुखी होती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि डीएम की वजह से ही हम दुखी हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि किनको लग रहा है कि ये मेरा मैसेज उनके लिए हेल्पफुल है एंड वो आगे से अब डीएम को ब्लेम करना छोड़ देंगे, डीएम को बुरा भला कहना छोड़ देंगे एंड वो सोचेंगे कि डीएम की अपनी एक लाइफ है, हाँ वो जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ठीक है एंड हमारी अपनी लाइफ है, हमें जो सही लगता है हमें अपने अकॉर्डिंग करना है एंड रेस्ट जब हम अच्छा करेंगे, हम लोग बेटर करेंगे, बेस्ट करेंगे, हम लोग गॉड को सरेंडर कर देंगे एंड हम लोग ये समझ जाएंगे कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन की या फिर किसी अदर पर्सन की वजह से नहीं, तब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। एंड ऑब्वियसली डीएम तो हमारा ही है, वो लौट कर भी आएगा, उससे यूनियन भी होगा,
लेकिन जो यूनियन का सबसे बड़ा बैरियर है उसको हटा दो, उसके बारे में बुरा भला सोचना बंद कर दो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे।